नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों CTET, जिसमें आप में से कुछ लोग पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ लोग पेपर टू के लिए, और कुछ लोग हैं जो कि पेपर वन और टू दोनों में ही अप्लाई करते हैं। तो CTET फॉर्म भरने से लेकर तैयारी करने तक और तैयारी करने से लेकर के एग्जाम देने तक, उन सब में पेपर वन और टू दोनों के लिए एक चीज़ कॉमन होती है, और वो क्या है दोस्तों? भाषा वन एंड टू। क्योंकि आप पेपर वन उठा करके देखेंगे, उसमें भी भाषा वन और टू आती है। आपको 20 भाषाओं में से कोई दो भाषाएं चूज करनी है, सेम पेपर टू में है। आप तैयारी करेंगे तब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, और सबसे बड़ी बात है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक आपके दो बार क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। सेम ऐसे ही आपने जो भाषा चूज की है उसकी सप्लीमेंट्री कॉपी भी मिलती है। तो वहाँ पर भी बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं और बाद में गलत भाषा के क्वेश्चन करके आ जाते हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर कार्ड्स में देख सकते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम देना कैसे है। अभी पहले हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि भाषा वन और टू चूज कैसे करनी है। मान लीजिए आपने चूज भी कर लिया, आपने भाषा वन में कोई एक इंग्लिश डाल दिया, भाषा टू में मान लीजिए हिंदी, बांग्ला, मराठी कुछ भी डाल दिया, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे? और आपने जो चूज किया है क्या वो सही तरीके से चूज किया है? तो आपका ये जो भाषा है वो पीछा छोड़ेगी नहीं लास्ट तक। तो इससे पीछा वही छोड़ा सकते हैं जिन्हें इसके बारे में सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएं। बाकी के बचे हुए डाउट आप एग्जाम मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर भाषा वन और टू इनमें अंतर क्या होता है। हिंदी को आप भाषा वन में लें या भाषा टू में लें, आखिर क्यों? इंग्लिश को आप भाषा वन और टू में से किस में लें, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आप कहाँ पर चूज करें? तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन। CTET जो नोटिफिकेशन निकालता है उसमें आप देखेंगे ये दो लाइन मैंने जो अंडरलाइन कर रखी हैं, इसमें बताता है जो भाषा वन के बारे में, द टेस्ट आइटम्स इन लैंग्वेज वन विल फोकस ऑन द प्रोफिशियंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहां से आप समझिए, आप अगर मान लीजिए आप सपोज आप एक नॉर्थ इंडियन हैं, और कोई एक दूसरी एक एग्जाम्पल लेता हूं जो कि किसी ऐसी जगह से है जैसे कि गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, मिजो, उनकी कोई लोकल लैंग्वेज है नॉर्थ इंडियन के अलावा, तो आप भाषा कैसे लेंगे? तो यानी कि आपको भाषा वन वो चूज करनी है जिसमें आपसे भाषा वन में पूछा जाएगा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि पूरी की पूरी जो भाषा है उसमें आपकी कितनी प्रोफिशियंसी है। और दूसरी जो भाषा टू आप चूज करेंगे वो किस बेस पे चूज की जाएगी कि इसमें आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के तत्व, कम्युनिकेशन यानी कि संचार एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। ये तो हो गई बात नोटिफिकेशन की जो लिखित में है। अभी बात बताता हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैं मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ, आपकी भाषा वन है, भाषा वन और भाषा टू में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि भाषा वन में भी दो पैराग्राफ आते हैं, भाषा टू में भी दो पैराग्राफ आते हैं, लेकिन भाषा वन में जो पैराग्राफ आता है दोस्तों उसमें एक तो होता है गद्य यानी कि प्रोज, और दूसरा होता है पद्य यानी कि पोइट्री, और दोनों ही होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इसमें लिखा है ओनली भाषा टू में कि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज वो दोनों के लिए ही अप्लाई है। आपको दोनों ही पेपर में, भाषा वन आप अप्लाई करें या भाषा टू, दोनों में ही आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। अभी अगर आप वैसे ही अंदाजा लगाएं, आप वैसे ही सोचें कि आपके सामने मैंने कोई बात जैसे अभी टोटल एक गद्य टाइप में बोली है, प्रोज में बोली है, तो आप इसका सारांश, आप इसका मीनिंग सब कुछ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि इन्होंने क्या बताया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात आपसे एक कविता के रूप में बोलूं, पोइट्री बोलूं, तो ऑब्वियसली वो टफ होगा, आपको उसे समझने में टफ लगेगा। तो इसीलिए अगर आप भाषा वन चूज कर रहे हैं तो भाषा वन वही चूज कीजिए जिसमें कि आपकी पकड़ अच्छी है, आप उसकी पोइट्री भी समझ सकते हैं अच्छे से और उसके अनुसार उसके आंसर दे सकते हैं। और भाषा टू आप कौन सी चूज करेंगे जो आपकी भाषा वन से कमजोर है। अभी आप इसमें भी डाउट में आ जाएंगे। पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडियन का, जिनको कि हिंदी लैंग्वेज जिनकी अच्छी पकड़ होती है, वो बोल देंगे हाँ हम हिंदी भाषा वन के रूप में चूज कर लेंगे, हिंदी जिसका कोड नंबर है 2। तो अभी हम सेकेंड लैंग्वेज क्या चूज करें, इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा उन्हें गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी तो नहीं आएगी। उसके बाद क्या बचा,
संस्कृत आती है। बाकी नॉर्थ इंडियन में जैसे पंजाबी हैं वो अपना पंजाबी ले लेते हैं और हिंदी ले लेते हैं, या फिर पंजाबी ले लेते हैं इंग्लिश ले लेते हैं। तो अक्सर जो लोकल लैंग्वेज है वो आप हमेशा भाषा बन में रखिए। जितने भी लोकल लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप भाषा बन में रखिए लोकल लैंग्वेज को। और भाषा दो के बारे में आगे बताता हूँ। पहले बात करता हूँ जिन लोगों ने भाषा वन में हिंदी ले लिया, अभी उन्हें कन्फ्यूजन रहता है इंग्लिश और संस्कृत के बीच में, क्योंकि उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी हुई है और इंग्लिश भी। किसी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो बिना सोचे हुए इंग्लिश ले सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम होते हैं, जिनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती है और संस्कृत भी उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है काफ़ी दिन पहले से, तो उसमें भी डाउट है। तो उनको मेरा यही सजेशन है, अगर आपको इंग्लिश में डाउट है तो आप इंग्लिश बिल्कुल ना लें, क्योंकि CTET में इंग्लिश इतना ईजी नहीं आता है। एक तो आपके कॉम्प्रिहेंसन रहेंगे, दो कॉम्प्रिहेंसन आएंगे सेकेंड लैंग्वेज में, और दोनों ही कॉम्प्रिहेंसन में वोकेबलरी भी बहुत टफ रहती है, तो आप बिना डिक्शनरी के नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, बचे हुए 15 क्वेश्चन आते हैं आपके पैडागोजी से, जिसमें आपको भाषा के बारे में बताना है, भाषा के एलिमेंट्स क्या हैं, तो उन्हें आप बिना पढ़े हुए नहीं कर सकते जब तक कि आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, कि आप समझ ना सकें, उसके रिप्लाई ना बता सकें। और संस्कृत को मैं इसलिए आपके लिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि संस्कृत जो है, संस्कृत में अगर पूछा जाएगा आपके पैराग्राफ से, जैसे हिंदी में पूछा जा रहा है पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही संस्कृत में पूछे जाते हैं। हिंदी की जो ग्रामर है वैसे ही संस्कृत की ग्रामर है, समास, संधि, वो काफ़ी कुछ मैच करता है। तो जो चीज़ें अगर पैराग्राफ से पूछी जाती हैं और आपको हिंदी अच्छी है, तो आपकी संस्कृत भी, आप कुछ दिन पढ़ने के बाद अगर आप ऑप्शन डालेंगे संस्कृत तो आप पढ़ेंगे भी, तो आपकी संस्कृत भी ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी इतनी कि आप हिंदी के साथ साथ उसको लेकर चल सकते हैं और आप संतुष्टि लायक मार्क्स ला सकते हैं, ना कि इंग्लिश के जैसे आप बिल्कुल निल हो जाएं। तो इसीलिए मैं आपको संस्कृत रिकमेंड करता हूँ, आप संस्कृत लें सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी तो कोई डाउट नहीं है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज लेनी है। जिनके पास ये लोकल लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, जिनकी लोकल लैंग्वेज है जो बंगाली है, आसामीज है, मलयालम है जो केरला के हैं, तो वो लोग फर्स्ट लैंग्वेज में अपनी लोकल लैंग्वेज को रखें। उसके बाद लैंग्वेज टू में आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है हिंदी रख सकते हैं, और आपकी संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत रख सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे बॉर्डर वाले, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्रा, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप तेलुगु ले सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में आप तमिल भी ले सकते हैं, मलयालम, कर्नाटका, तो इनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ गए। अभी आपको फिर भी डाउट होगा कि मैं आखिर ऐसे कैसे मानूँ, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि यह प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर का आपको एग्जांपल देता हूँ। आप आगे की स्लाइड में देखिए, क्वेश्चंस को आप मैच कीजिए। एग्जाम्पल लिया है मैंने हिंदी का भाषा वन और भाषा टू, उनमें देखिए आपको कितना अंतर देखेगा। सबसे पहले चलेंगे, ये है आपके पास, इसमें देखिए ये भाषा वन हिंदी है जो कि 90 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुआ है, 91 से, और ये भाषा टू है, सेम पेपर का है, यहाँ पर पार्ट फाइव है या पार्ट फोर है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 91 से 99 तक आपको एक पैराग्राफ दिया गया कॉम्प्रिहेंसन, सेम यहाँ पर 121 से 128 तक ऐसे ही पैराग्राफ दिया गया, सेम ऐसे ही अदर लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी सेम है, संस्कृत में भी सेम है अगर आप देखेंगे तो। अभी यहाँ पर आप देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसको स्टूडेंट है वो पढ़ लेगा, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मशीनीकरण से तात्पर्य है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा है। सेम इसमें आप देखिए, ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसमें आप पढ़ेंगे, इनके आंसर आप दे लेंगे। तो आपको कोई अंतर दिखा, कोई भी अंतर ऐसे नहीं मालूम चलेगा, एज ए स्टूडेंट आपको दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन सेम लगेंगे, चाहे आप भाषा वन चूज करें भाषा टू हिंदी। सेम ऐसे ही आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 95 से आगे के देखिए कहाँ तक है, 99 तक आपका गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन है, तो आपके सभी गद्यांश से पूछे, जैसे कि समृद्ध शब्द में भाव है, आपका ग्रामर आ गया, अल्पता शब्द है तद्भव तत्सम, ये ग्रामर आ गया, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, इसे आप देख सकते हैं, तो ये सभी आपने पढ़ लिए। सेम इधर देखिए 125 से लेकर के 128 तक, जो इसमें पूछा है कि मांग का सिंदूर पूछ जाना, मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर भी ग्रामर पूछी है, ये पार्ट टू की बात हो रही है, इधर पार्ट वन की, देश का हौसला पस्त था क्योंकि, ये आपको पैराग्राफ से आ गया। तो यहाँ पर आपके ग्रामर के साथ साथ पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों ही पैराग्राफ में सेम चीज है। लेकिन अब बात यहाँ से आती है क्वेश्चन नंबर 100 से और 129 से। यहाँ पर 100 से 114 टोटल 15 क्वेश्चन है,
इनके बारे में आपको यहाँ से आंसर देना है, और इन्हें आप तभी दे पाएंगे जब आपने पैडागोजी पढ़ी होगी। पैडागोजी में भाषा से संबंधित जो चैप्टर है उनको आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए आप पहले पार्ट वन में देखते हैं, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, भाषा के बारे में है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा विकास होने के नाते, यहाँ पर भी भाषा के बारे में है। तो ऐसे ही करके दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप जो आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से आप आंसर दे देंगे। सेम यहाँ पर देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके जो कि भाषा से रिलेटेड हैं और कुछ हैं जो कि शिक्षा शास्त्र से हैं। तो यहाँ पर आपको कोई अंतर दिखेगा? कोई अंतर नहीं लगेगा दोनों ही पेपर में, आप चाहे भाषा वन चूज करें या भाषा टू चूज करें। सेम ऐसे ही है, ये जो है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी पैडागोजी से क्वेश्चन है, चैप्टर वन में पार्ट वन में देख सकते हैं आप या फिर पार्ट टू में देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन। तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड आ रहे हैं दोनों ही पार्ट में, आपको कहीं भी कोई अंतर नहीं दिखेगा, दोनों में ही सेम है, भाषा से रिलेटेड हैं, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं, आपको वो क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखते जाइए आप, 114 तक बात हो रही थी तो 114 तक आप कड़क देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 125, ये जो 138, 141, 142, 143 तक सभी क्वेश्चन वही हैं आपके पैडागोजी से। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यही क्वेश्चन अगर पार्ट टू में होता तो आप कुछ बोल सकते थे? कुछ नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, ये आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ये सभी क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दिमाग में लेके मत चलिए कि भाषा टू इजी है और भाषा वन टफ है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर यहाँ पड़ता है लास्ट के 7 नंबरों पे आके, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंतर जो पड़ रहा है वो आप नहीं देख सकते हैं, अभी नहीं नोटिस कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, पार्ट वन में आपके सामने आ गया फिर से एक पोइट्री आई है, जबकि पार्ट टू में आपके सामने क्या आया है? प्रोज, फिर से एक से गद्यांश है, यहाँ पर एक पद्यांश है। अभी आपको क्या इजी लगेगा? आप एक पद्यांश को पढ़ के इसमें जो क्वेश्चन है 7, इनके आंसर 100% सही दे सकते हैं, या फिर इस गद्यांश को पढ़कर इसमें जो क्वेश्चन है 7, इनके आंसर ज़्यादा सही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप कहाँ से दे सकते हैं? आप गद्यांश से अच्छे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ आपको समझना पड़ेगा पहले, और फिर इसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप पार्ट वन में हिंदी लेंगे तो हिंदी आपकी ऑलरेडी कंट्रोल में है, आपकी ऑलरेडी आप हिंदी में प्रोफिशिएंट हैं, तो आप हिंदी में बड़े आराम से इस पोइम को, इस हिंदी की कविता को पढ़ के आप इनके सभी के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी की कविता आप पढ़ते होंगे क्योंकि आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है। वहीं अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है लेकिन आप हिंदी को एज ए लैंग्वेज टू लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर कमज़ोर है तो, अगर हिंदी अच्छी है तो आप उसे लैंग्वेज वन में हमेशा लीजिए। किस लिए? क्योंकि आप जो लैंग्वेज वन में जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, जो भी भाषा चूज करेंगे, उसमें आपको एक पोइट्री भी मिलेगी। अगर इंग्लिश में आप लेते हैं तो इंग्लिश में अगर आपको प्रोज अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो इंग्लिश की पोइम आप कैसे कर पाएंगे अगर आप उसे लैंग्वेज वन में ले लेंगे? उसे आप लैंग्वेज टू में लीजिए तो आप पोइम से अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये क्वेश्चंस हैं इनके भी लेवल में काफ़ी अंतर होता है, जो कि अभी आपको नहीं मालूम चलेगा लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इस पूरी की पूरी वीडियो का, इस पूरी की पूरी बात का मेरा कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है, वो ये है कि भाषा वन में आप वही सब्जेक्ट लें जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है, जैसे कि हिंदी भाषी हिंदी को भाषा वन में रखें, और भाषा टू में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो संस्कृत को प्रेफर ज़्यादा करें। अगर आप 50-50 भी हैं, संस्कृत आपको उतनी ही आती जितनी इंग्लिश आती, तो भी आप संस्कृत ही लें, क्योंकि हिंदी की जो ग्रामर है वो मैक्सिमम संस्कृत से मैच करती है इसलिए, और आप उसे कुछ दिन में पढ़ के तैयार भी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश को ले सकते हैं लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में। ऐसे ही जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, जैसे बांग्ला, मराठी, नेपाली कुछ भी है, तो वो लोग लैंग्वेज वन में इनको रखें और लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश को रखें, आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को रखें। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा।
और रही बात तैयारी की, तैयारी आप इसी हिसाब से करेंगे। और उसके बाद जो एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आती है, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये एक ही क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम है, एक ही क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जब भाषा वन आपका पार्ट फोर में आया है, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से हिंदी शुरू हुई है, सेम 120 पर पहुँचने के बाद फिर से 91 नंबर शुरू होता है, वहाँ पर लिखा रहता है पार्ट फोर भाषा वन इंग्लिश। तो वहाँ पर आपको डाउट हो जाएगा कि आपने भाषा वन में हिंदी चूज की है तो कौन सी करें, ये भाषा टू वाली, ये यहाँ पर ये वाली 121 से शुरू हुई है ये चूज करें, या 91 से शुरू हुई है ये चूज करें। तो उसके लिए आप एकदम क्लियर होना चाहते हैं, डाउट नहीं रखना चाहते हैं, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें आपको डाउट सब खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम लोगों की ये गलती होती है, एग्जाम देने के बाद वो कम अप होते हैं और पूरा का पूरा आपकी मेहनत खराब हो जाती है, 60 नंबर आपके चले जाते हैं मिट्टी में। इसीलिए तैयारी अच्छे से करें और तैयारी सोच समझ के करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कोई भी आपको अभी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।